प्रवीण नल ना बादी आगे चल रहा है सुना है ना 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 कौन चल रहा है जोन से बीजेपी है वाह बीजेपी कई साल जीत ली जीतते जाओगी बताओ कितनी साल जीता ली 10 साल जिताई जीतते जाओगी वो अरे मीनू सेठी हम जानते ही नहीं कौन है मैं सकल आज तक देखा ही नहीं मैं शहर का हूँ परिंदा लेकिन मैंने आज तक देखा ही नहीं अरे प्रवीण एलनाबादी वो सुना है नाम उनका सुना है उनका नाम भाई वे भी खड़े हैं लेकिन देखे वे भी नहीं क्योंकि कदे उधर जाना नहीं पड़ता मर क्या लगता है जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करा वो कितना ईमानदार है कौन से ये सेठी साहब ईमानदारी तो हमने कदे वो बरता तो को नहीं अभी तक हम तो बीजेपी को वोट दिया करते ईमानदार आदमी है सही में जो कर सके आम आदमी पार्टी कर सके और किसी के बस की बात है को नहीं चाहे कोई कुछ भी कर लियो ना बीजेपी कांग्रेस इनलो किसी ने आज तक किसी की में करे आज तक और ईब जो कर सके वो आम आदमी पार्टी कर सके और नहीं धरती में कोई पैदा है को नहीं यार ना हो सके सिकंदर तो प्रवीण एलनाबादी का नाम काफी ऊपर जा रहा है वो बेरा को नहीं कौन है कौन ना है हमने ओनली आम आदमी पार्टी तो मतलब है और जो कर सके आम आदमी पार्टी कर सके का नाम तो सुना होगा उनका नाम भी काफी ऊपर तक जा रहा है हमने किसी का नाम कौन सुना ना सुनने की जरूरत बस हमने केजरीवाल चाहिए है वो है था और रहेगा और जो करेगा वो ही करेगा मीनू सेठी का नाम लेने नु एकदम नु छो में क्या था मैं जानता है कोनी कितना भी कोनी हमारे लिए कुछ ना भी नहीं और जो बीजेपी ने शहर का चेयरमैन खड़ा करा है वो भी कोनी मार तो पानी को नहीं पूछा अभी तक जानते कोनी नई लाइन डाल दी मेरे घर के पास पानी नहीं पूछा अभी तक खोल के भरोगे ना 4 बाल्टी आपको काला पानी निकलेगा उसके बाद में पानी आएगा ना आएगा वो तो अलग बात है जी वो कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे आपके घर पे नलके में से पानी निकलेगा नई लाइन डाल दी उसके अंदर भी अभी पानी नहीं आया है 5 बाल्टी काली पानी जाती है आप अभी खोल के दिखा दूंगा काली पानी को नहीं अंकल वा पेप्सी आवे समझा ये निराधार को लावे निराधार को लावे इसका टॉयलेट का हाँ देखा था फिर बोतल ऊपर ने भी भेज जो ने जी टेस्ट करके बता अपना जमीन का कनेक्शन कर रखा है जमीन से लेते हैं 20 साल हो गए मेरे को या बात ना बताओ नहीं तो नु कह देंगे इसका जमीन वाला कनेक्शन काटो मारे नुकसान कर दिया मीन वाला दिन बिल तो लिया कर देता ऊपर 75 गज का मकान है के काटेगा मेरा वो टैक्स भी कोनी मेरे को तब के उम्र होगी मेरी 55 साल हो रही है गरीब तो काटने ने की मैं बचाई नहीं पेंशन भी कोनी मिला है पेंशन भी 2.5 लाख तो दुआ दो गरीब वाले योजना वाले 2.5 लाख तो दुआ दो 2.5 लाख किसके मैंने तो दिखा था वो 15 लाख ले गया ना एक भी कोने मिला है कोने मिले भी लगे 15 रुपये कौन दिए सरकार ने ताऊ ते और अरे बात ताऊ आसी में कितना एक विकास होया बहुत ज्यादा आप देख लो यो दिक्कत लग रहा है और भाई साहब यो दिन चौक तले काली देवी वाला तो 10 साल हो गए ये बना है वो रोड आपके सामने है देख लो कोनी क्या क्या विकास बताने की जरूरत कोनी मैं तो सुना है की बीजेपी इतनी आगे जा रही है क्या हाथे कौन लागे बस सुनन में है ना दिखने में कोनी वा विकास तो नहीं गया बीजेपी गई आगे विकास तो वही है बात बताइए आसी के अंदर सुनने के अंदर आ रहे हैं जी यशपाल जी तो टक्कर दे ही रहे हैं लेकिन प्रवीण एलनाबादी आगे चल रही है ऐसा कुछ नहीं है जी देखो मैं आपने एक बात जरूर बताना चाहूंगा आज की डेट में हमारे प्रत्याशी हैं सैनी साहब देखो सुनो मेरी बात ईमानदार आदमी है पेंशन से काम चला और रिटायर्ड अफसर रहा है 5 रुपये रिश्वत के जिस आदमी ने 38 साल में नहीं लिए इस शहर में अगर चेयरमैन बना होगा तो ईमानदारी से सड़क बनाने की गारंटी ले हम 100 रुपये ऊपर ताओगे 100 के 100 लगा होगा भाई साहब एक बात बताऊं गित्ता पा धर के कसम खाने के लिए तैयार है कि 5 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं करेगा मैं तो एक बात कहना चाहूंगा जो विधायक जी ने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं उनसे कसम खुआ ले पता चल जाएगा सारी दुनिया ने वो कहते हैं जी हमने विकास बहुत करवाया है दोबारा फिर हांसी की बागडोर बीजेपी को दीजिए आप विकास देखिए क्या लगता है बीजेपी हांसी के अंदर कितने नंबर पे पहुंच चुकी है ऐसे है एक बात आप कागज पेन पे नोट कर लो आसी का विकास सारी दुनिया के सामने है विधायक ने 2.5 साल हो गए पूरा चेयरमैन रहा है
आज आसी को ईमानदार आदमी की जरूरत है सख्त। सारे के सारे एमसी ईमानदार होने चाहिए। आज ये भाई आशीर्वाद ले रहा है हमारे सैनी साहब का, जो खुद आम आदमी है। एक दूसरा जो आशीर्वाद ले रहा है बहुत बड़ा विधायक का, जो हजार करोड़ का आदमी है। फर्क आपने देखना है, जो बड़े आदमी का आशीर्वाद लेके बनेगा, जो माल लगाओगा इलेक्शन में दो दो तीन तीन करोड़ रुपये, वो लुटेगा। और आम आदमी जो पैसे नहीं लगाओगा, 1.5 लाख में चुनाव लड़ेगा भाई साहब। हाँ जी, 1.5 लाख के अंदर चुनाव कैसे पॉसिबल है? लोग करोड़ों रुपए जेब के अंदर लेकर घूम रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी मेहनत से अपने दम से भगवान ने टांगे दे रखी है। लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन काफी लोग भी ऐसे हैं जो उनसे डीटा कहते हैं साहब, जब तक पैसा नहीं तब तक वोट। सर उनके सिद्धांत उनके साथ है, हमारे असूल हमारे साथ है, हम उनके सिद्धांतों को वोट कोई और खरीद जाएगा। खरीद जाने दो, खरीदने वाली पार्टी खरीद ले जनता, आप खरीदने वाली पार्टी खरीद के बन जाएगी। वोटर इतना समझदार हो चुका है सर, अपने हकूक के लिए, हक और हकूक के लिए जाग चुका है। नोट लेना आसान है, वोट लेना बहुत मुश्किल है सर। क्या बात करते हो आप, जाग चुका है। उसका स्पष्ट उदाहरण पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में दिखाया है जनता ने। जी क्या लगता है, जो शहर के अंदर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं क्या सभी ईमानदार हैं? भाई साहब हमने तो एक बात का बेरा मारा, चेयरमैन जम्मा ईमानदार है भाई, कहते हो तो इसकी कसम मैं खा लूं, इसी कसम मैं खा लूं भाई। जो ईमानदार ना हो तो पहले भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है, आगे भी ईमानदार होगा भाई। वोट दे के तो देखो, बर्त तो लो एक बार, है मेरे तो अपील है सारे शहर वासियों से, बर्तन तो मेरा पट है, एक बार हमारा चेयरमैन ने बर्त लो। यशपाल सैनी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।